हमारी टिप्स में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन प्यारी बहनों के लिए है जिनका स्कूटी में बैलेंस नहीं बन रहा है, उनको सिखाने वाला घर में कोई नहीं है, वो परफेक्ट तरीके से स्कूटी का बैलेंस नहीं बना पा रही है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इजी तरीके से स्कूटी का बैलेंस बनाने के लिए बताऊंगी। मेन क्या होता है कि स्कूटी का अगर आप बैलेंस बना लेते हो तो आप 90% स्कूटी चलाने के लिए सीख जाते हो, और स्कूटी का बैलेंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखते हो तो बहुत ही इजीली और बहुत ही परफेक्टली आप बहुत ही आसान तरीके से स्कूटी का बैलेंस बना सकते हो। तो आज की वीडियो में आप देखिए कि मैं किस तरह से बैलेंस बनाती हूँ, स्कूटी को किस तरह से चलाती हूँ, या पैरों को हम किस तरह से रख रहे हैं। मेन होता है कि बैलेंस बनाने में पैरों का सही तरीके से पढ़ना। अगर पैरों को आप सही तरीके से ज़मीन पर रखकर स्कूटी का बैलेंस बनाते हो तो बहुत ही परफेक्टली आप स्कूटी का बैलेंस बनाने के लिए सीख सकते हो। तो चलिए फटाफट वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए स्कूटी अभी हमारी स्टैंड में है, तो स्टैंड को इस तरह से पैर से हटाना है, दाहिना पैर से स्टैंड को हटाना है। तो स्टैंड से हटाते ही इस तरह से स्कूटी गिरने लगेगी, लड़खड़ाने लगेगी, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। पूरी हिम्मत एक पास में आप जुटाएं और स्कूटी को आप इस तरह से स्कूटी का बैलेंस बनाने के लिए सीखें। तो इस तरह से स्कूटी देखिए, स्कूटी कुछ ही आपकी इस तरह से डगमगाने लगेगी, हैंडल इधर उधर होने लगेगी, और आपका भी पूरा बॉडी लगेगा कि अब आप स्कूटी का भार ले नहीं पाओगे, स्कूटी आप लेके गिर जाओगे। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, आप इस तरह से पूरी हिम्मत के साथ में, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में स्कूटी को लेकर सबसे पहले स्कूटी का बैलेंस संभालने के लिए सीखिए। कुछ इस तरह से आपके साथ में होगा, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम स्कूटी को पकड़ते हो तो आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि स्कूटी को आप संभाल लो। तो हालांकि स्कूटी को मैंने यहाँ स्टार्ट नहीं किया है, स्कूटी अभी इस तरह से डगमगाने लगेगी, हैंडल इधर उधर जाएगी, आपको पूरी एनर्जी के साथ में स्कूटी को अपने भार में लेके संभालना है। अगर आपके ऊपर में ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, स्कूटी को मैं संभाल लूँगी, तो आप बहुत ही परफेक्ट स्कूटी स्टार्ट करने के बाद में उसे संभाल पाओगे। तो इस तरह से पहले स्कूटी का बैलेंस बनाएं एक दिन। तो फ्रेंड्स, दूसरा दिन इस तरह से स्टैंड को हम पैर से हटाएंगे। तो दाहिने पैर से स्टैंड को इस तरह से हटाते ही ये देखिए स्कूटी इस तरह से कुछ होने लगेगी, स्कूटी गिरने लगेगी। तो हमें करना क्या है कि स्टैंड को फिर इसी तरह से लगा देना है, क्योंकि स्टैंड को हटा के आप स्कूटी में इजीली नहीं बैठ सकते हो। तो स्टैंड को इस तरह से लगा देना है, फिर आप बहुत ही इजीली बेहिचक आप स्कूटी में इस तरह से बैठो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। तो इस तरह से स्कूटी में बैठ के आप फिर पैरों से आप स्टैंड को हटाओ। तो ये देखिए इस तरह से स्टैंड को पैरों से हटा लेना है। तो इस समय क्या होगा फ्रेंड्स कि आप गिरोगे नहीं, और क्योंकि दोनों पैर का भार आपका ज़मीन पे टिका हुआ है, तो दोनों पैर का भार जब ज़मीन पे टिका हुआ रहेगा तो गिरने का डर भी नहीं रहेगा। और बिना स्कूटी को स्टार्ट किए इस तरह से आप स्कूटी में बैठ के थोड़ा सा आगे फिर थोड़ा सा पीछे, आप स्कूटी को पैरों की मदद से धक्का मारो, पैरों से मतलब जितना होगा उसे धक्का मार के हमें बैलेंस बनाना है। फिर थोड़ी देर बाद जब ऐसे बैलेंस बन जाए तो स्कूटी को मैंने स्टार्ट किया, तो स्कूटी को स्टार्ट करके एक्सीलेटर बिल्कुल स्लो, मतलब जितना स्लो होता है उतना स्लो लेंगे, फिर एक स्टेप आगे जाएंगे, फिर एक स्टेप पीछे जाएंगे, और एक्सीलेटर बिल्कुल स्लो लेना है, और हमेशा ब्रेक के ऊपर में हाथ को रखना है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। थोड़ा सा एक स्टेप आप आगे जाइए, फिर एक स्टेप पीछे आइए, आप ऑटोमेटिक देखोगे कि जब आप एक्सीलेटर हल्का सा लेते हैं तो थोड़ी सी स्कूटी आगे जाती है, और जब एक्सीलेटर छोड़ते हो तो स्कूटी खुद ब खुद पीछे जाने लगती है। तो इस तरह से जब दोनों पैरों का सहारा लेते हुए दोनों पैर आपका ज़मीन पर टिका हुआ है, तो इस समय क्या होगी कि स्कूटी आपकी गिरेगी नहीं, क्योंकि दोनों पैर आपका ज़मीन पे है। इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप स्कूटी का परफेक्ट बैलेंस बना सकते हो। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा आप आगे जाए, फिर थोड़ा सा पीछे जाए, जब आप एक्सीलेटर को हाथों से हटाते हैं तो स्कूटी खुद ब खुद पीछे जाने लगेगी। उस समय आप बाएं हाथ से ब्रेक को दबाएं, ब्रेक को दबा के स्कूटी को रोकें,
फिर एक्सीलेटर हल्का सा लेते हुए आगे की ओर स्कूटी ले, एक कदम आगे जाए, फिर आप रुके, फिर स्कूटी को आप पीछे की ओर ले। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्या होगा कि परफेक्ट बैलेंस आपका बन जाएगा, स्कूटी संभालने की एनर्जी आप में आ जाएगी। तो इसी तरह से कंटिन्यू प्रैक्टिस जारी रखना है, थोड़ा सा आगे जाए, फिर थोड़ा सा पीछे की पीछे जाए। तो और अगर आपकी हाइट कम है तो आप अगर स्लिप करके आगे जाते हो तो फिर आप उठकर फिर इसी तरह से करें। और मेरे हाथों को ध्यान से देखें फ्रेंड्स, मैंने हाथ को कैसे मुट्ठी बांध के एक्सीलेटर के ऊपर में रखा है। तो हमें बिल्कुल स्लो, जितना स्लो होता है एक्सीलेटर हमें लेना है। और अगर आप एक्सीलेटर को ऐसे ले लोगे तो अचानक आपकी स्कूटी आगे चल जाएगी। इन सभी बातों पर ध्यान देना है कि एक्सीलेटर बिल्कुल स्लो लेना है, तेज़ नहीं करना है। ये देखिए, अचानक अगर आप एक्सीलेटर तेज़ लेते हो तो स्कूटी आपकी कुछ इस तरह से आगे चल जाएगी और आप गिर पड़ोगे। तो यहाँ मैंने पैरों का सहारा लिया है, पैरों को ज़मीन पे टिका के रखा है। तो एक्सीलेटर बिल्कुल स्लो नहीं करना है। तो इस तरह से आप कंटिन्यू अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो 4 से 5 दिन में एक्सीलेटर के ऊपर में आपका हाथ जम जाएगा और बहुत ही परफेक्ट राइडर आप एक दिन बन सकते हो। तो बस इसी तरह से आपको कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, आप 4 से 5 दिन में स्कूटी में आपका बैलेंस बन जाएगा, एक्सीलेटर भी कंट्रोल हो जाएगा। आज का वीडियो में आपने देखा ना, मैंने कितना इजी तरीके से और परफेक्ट तरीके से स्कूटी का बैलेंस बनाने के लिए बताया है। तो आप मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर आप मेरी एक एक टिप्स को फॉलो करके स्कूटी चलाने के लिए सीखते हो तो यकीन नहीं मानोगे, बहुत परफेक्ट राइडर बन सकते हो। तो फटाफट आप मेरी वीडियो में इसी तरह से बने रहिए और पसंद आए तो लाइक करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।